एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करता है पतंजलि गोमूत्र, ये बहुत जो है बीटाडीन जो है लगभग लगभग पूरे देश के लोग चोट आदि लगने पर, घाव आदि होने पर लगाते हैं और उसमें लाभ भी करती है, जो भी है। इसका एक छोटा सा प्रयोग आपको बताते हैं। ये एकदम पैक्ड पानी है पतंजलि का, और आपको दोनों गिलासों में ये भर रहा हूँ, और जो भगवान ने, प्रकृति ने हमारा तन और हमारा जो मन है वो इस जल की तरह ही एकदम पवित्र दिया है, इसलिए हम हवन भी करते हैं तो उसमें भी जल का लोटा एक कोने पर रखते हैं और जल सिंचन करते हैं। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत में बोल भी रहा था, तो हमारी जिंदगी एक पानी की तरह है, एकदम साफ है, हमारा तन, हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है जल। अब ये इसमें एक चम्मच हम ये डाल देते हैं, आप देखना विद इन मिनट, एक मिनट के अंदर इस पूरे एसिड को, इसके अंदर तो कई प्रकार के एसिड हैं, ये पूरा चम्मच भर के आपके सामने डाल रहा हूं, ये देखो अब ये पूरा इसका कलर आप ही देख रहे हैं, बहुत पूरा एकदम रेड हो गया है, लाल से भी गहरा लाल जिसको कहते हैं वो हो गया है। चलिए अब आप कोई भी घर में कर सकते हैं, एक चम्मच इसके अंदर ये डाल देते हैं गोमूत्र, ये साफ है, ये पानी साथ में रखा हुआ है, बाबा जी तो कभी कोई जादू जूदू तो करते नहीं है, HMT घड़ी निकालते नहीं है, HMT ट्रैक्टर निकालते नहीं है। अब खाली इसके अंदर ये गोमूत्र डाला है, अभी थोड़ी देर में ये गोमूत्र से पूरा का पूरा एक मिनट के बाद इसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें कौन से के अंदर बीटाडीन और गोमूत्र डाला था और कौन से में नहीं डाला था, दोनों का कलर एकदम सेम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जब ये गोमूत्र पीते हैं ऐसे, तो ये पूरी बॉडी को क्लीन करता है, पूरी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। सुबह ऐसे ही करीब 25-50 ml गोमूत्र ऐसे डाला पानी के अंदर, और उसको ऐसे डाल करके और ऐसे पी लेना। एक बार तो थोड़ा सा सुगंधी सी आती है और बाद में पेट इतना जबरदस्त साफ होता है, किसी किसी का मल तो इतना सख्त होता है, भयंकर कब्ज उसका समाधान है। फैट डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहां होता है? पेट पर, इधर कमर पर, इधर कुल्लों में, और जब ये सारा कार्यक्रम भर जाता है, यहां से भी ठुक गया, यहां भी ठुक गया, यहां भी ठुक गया, तो फिर इधर आता है ये रोज 25 से 50 ml पानी में डाल करके पी लेना, सारा देश मोटापा के भार से मुक्त हो जाएगा। मोटापा के लिए अरे कितना खराब लगता है, पूरा अपना स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाता है, जो देखे वो अपने पर हंसता है। योग से हमें फिटनेस तो पानी, अपने फिगर्स को भी अच्छा बनाना है, आपके फिगर्स को अच्छा बनाने का काम भी ये गोमाता करेगी।
देखो, ये गौमूत्र के बारे में बता रहा हूँ, फैटी लीवर आजकल बहुत बड़ी समस्या है, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इतने भयंकर भयंकर रोग हो गए, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, कॉन्स्टिपेशन, चमड़ी के जितने भी रोग, मोटापा, अद्भुत है, जोड़ों के दर्द के लिए, माने सारा एसिड साफ कर दिया, यूरिक एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, आपके सामने मैंने दिखाया।